देश कभी भी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों को नहीं भूल सकता। ये वो तारीख थी जब पूरा देश आतंकी हमले की वजह से सहम गया था। मुंबई शहर में हर तरफ दहशत और मौत दिखाई दे रही थी। आज उस हमले को भले ही 11 साल बीत गए हैं, लेकिन उस हमले की डरावनी यादें आज भी ताजा हैं। 10 आतंकियों ने करीब 60 घंटे तक मुंबई में खूनी खेल खेलते हुए 164 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी और सैकड़ों को घायल कर दिया था। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई अपने शबाब पर थी। हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होने जा रही थी कि अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी। आतंकियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और छात्रपति शिवाजी टर्मिनस से हुई थी। पहले पहल तो किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह हमला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों से धमाकों को और गोलीबारी की खबरें आने लगी थी। आधी रात होते होते मुंबई शहर की फिजाओं में आतंक का असर नजर आने लगा था। आतंक का तांडव मुंबई के सबसे व्यस्तमंद रेलवे स्टेशन छात्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शुरू हुआ था। यहाँ मौजूद किसी यात्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्टेशन पर आतंक का खूनी खेल होने वाला है। वहाँ बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। 2 आतंकियों ने वहाँ पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की थी और हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे, जिसकी वजह से 58 बेगुनाह यात्री मौत की आगोश में समा गए थे, जबकि कई लोग गोली लगने और भगदड़ में गिर जाने की वजह से घायल हो गए थे। इस हमले को अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान नाम के आतंकियों ने अंजाम दिया था। छात्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबेरॉय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और दक्षिण मुंबई के कई स्थानों पर हमले शुरू कर दिए थे। आधी रात होते होते मुंबई के कई इलाकों में हमले हो रहे थे। शहर में 4 जगहों पर मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी मैदान में डट गए। एक साथ इतनी जगहों पर हमले ने सबको चौंका दिया था। इसकी वजह से आतंकियों की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। 26 नवंबर की रात में ही आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर दिया था। यहां आतंकियों ने कई मेहमानों को बंधक बना लिया था, जिनमें से 7 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी गई। 27 नवंबर की सुबह NSG के कमांडो आतंकवादियों का सामना करने पहुंच चुके। सबसे पहले होटल ओबेरॉय में बंधकों को मुक्त कराकर ऑपरेशन 28 नवंबर की दोपहर को खत्म हुआ था और उसी दिन शाम तक नरीमम हाउस के आतंकवादियों भी मारे गए थे। लेकिन होटल ताज के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में 29 नवंबर की सुबह तक का वक्त लग गया था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में खून की होली खेलने वाला आतंकी अजमल आमिर कसाब मुठभेड़ के बाद ताड़देव इलाके से जिंदा पकड़ा गया था। वह बुरी तरह घायल था। बाद में उसने पाकिस्तान की आतंकी साजिश की पोल खोलकर रख दी थी। उसी ने मारे गए अपने साथियों के नामों का खुलासा किया था। बाद में कसाब पर मुकदमा चला और फिर उसे सजाए मौत दी गई। मुंबई हमले की रणनीति और अक्रमता देखकर लग रहा था कि इस हमले में कई आतंकी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमला खत्म हो जाने और कसाब के पकड़े जाने के बाद साफ हो गया था कि इस काम को अंजाम देने के लिए 10 आतंकवादियों को तैयार किया गया था। उन्हें पाकिस्तान की सरजमी पर आतंक की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद वे आतंकी 26 नवंबर को एक बोट से समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। पुलिस ने जली हुई बोट को भी बरामद कर लिया। मुंबई हमले में आतंकवादियों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया था। वे उस वैन में घूमते रहे, सड़कों पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी दौरान एक टीवी चैनल के कैमरामैन के हाथ में आतंकवादियों की गोली लगी थी। बाद में आतंकी वैन लेकर कामा अस्पताल में घुस गए थे। वहीं मुठभेड़ के दौरान ATS के चीफ हेमंत करके, ASI अशोक कामटे और विजय सालकर शहीद हो गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए 200 NSG कमांडो और सेना के 50 कमांडो को मुंबई भेजा गया था।
इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान 9 सेना को भी अलर्ट पर रखा गया था। मुंबई के आतंकी हमले को नाकाम करने के अभियान में मुंबई पुलिस ATS और NGS के 11 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। इनमें ATS के प्रमुख हेमंत करके, SP अशोक कांके, SP सदानंद दाते, NSD के कमांडो मेजर संदीप उन्नी कृष्ण, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट AI विजय सलास्ट, इंस्पेक्टर सुशांत शिंदे, ASI प्रकाश मारे, ASI दुगड़े, ASI नाना साहब भोसले, ASI तुकराम ओवले, कांस्टेबल विजय खानकर जयवंत पाटिल, योगेश पाटिल, अंबा दोस्त पवार और MC चौधरी शामिल थे। इसके अलावा इस हमले में 137 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 300 लोग घायल हो गए थे। मुंबई शहर को आतंकियों ने हिला कर रख दिया। उन्होंने हर तरफ कोहराम मचाया था। शहर के हर हिस्से में दहशत और मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। आतंकियों के खिलाफ मुंबई में 11 जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्यवाही की।